लिखेंगे हम नया। हम किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे सारे रिश्तेदार जायदाद की लालच में रतन शाह की जान के दुश्मन बने हुए। जो हमला हम पर हुआ वो रतन शाह के लिए था। We wish a happy stay at Rajasthan to passengers of flight 5432. Flight to land ho chuki hai. दुश्मन का जासूस हो सकता है। एयरपोर्ट पे तो कोई लेने नहीं आने वाला। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सरप्राइज। सूरजगढ़, हियर आई कम। रतन, वो देख। मिस्टर इंडिया, नॉट बैड एट ऑल। आखिर आपने पता कर ही लिया कि मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। सरप्राइज तो दे कर ही रहूंगा। जस्ट अ बिट चेंज ऑफ प्लान्स। दिया बात कर रहे हैं। हमारे आने तक अगर महल में कोई आने की कोशिश करे तो उसे रोक दीजिए। हम एक घंटे में महल पहुंच जाएंगे। याद रहे, कोई महल में ना आने पाए, ठीक है? समझे? Excuse me, are you waiting for Ratan Man Singh? Aap kaun? I'm Ratan Man Singh, obviously. Oh, khamma gani. स्वागत है आपका रतन सर, पधारिए। थैंक यू। हम रास्ते में चल के बात करें? हाँ, श्योर, या। हे, आप तो हमें लेने आए, हमें लिए भी नहीं जा रही हैं आप। आई एम रतन मान सिंह। Hi, I'm Ratan Man Singh. अगर पता होता कि यहाँ वेलकम इतना ब्यूटीफुल होता है तो हम तो हर हफ्ते चले आते और साथ में फूल भी लाते। Listen, आप दोनों को रतन मान सिंह की स्पेलिंग भी पता है? हम हैं असली रतन मान सिंह, सन ऑफ दादा हुकुम मान सिंह एंड पद्मा मान सिंह, ग्रैंडसन ऑफ दिग्विजय प्रताप सिंह। ये मैडम हमें पहचान गई हैं। आप दोनों घर जा सकते हैं। आप इन दोनों की बातों में बताइए, ये दोनों फ्रॉड हैं। असली रतन मान सिंह हम हैं। ओके, ऑल थ्री रतन मान सिंह, प्लीज जीप की तरफ चले, लेट्स गो। हेलो,
What do you mean by let's go? पहले पता तो कर लो कि हम तीनों में से असली रतन मानसिंह है कौन। Don't stress. कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि असली रतन मानसिंह है कौन। चले? Beauty भी और confidence भी. Not bad at all. Let's go. नौ साल के थे जब उन्हें हमसे छीन लिया गया था। अब पूरे 12 साल बाद मिलेंगे हमें रतन को अरसा। दया कर सीकाल का मां। अब तो नौजवान हो गए होंगे वो। कैसे दिखते होंगे रतन को अरसा? प्रिया को अरानिसा नजर उतारने की सारी तैयारियां हो चुकी से ना, कोई कमी को नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, उनके लंबी उम्र के लिए हमने व्रत भी रखा से। ये लीजिए। बड़ी पहरेदारनी बनी फिरती है। किसी को बताया तक को नहीं कि रतन कुंवर साह को किस रास्ते से ला रहे हैं। पर हम भी 4 कदम आगे हैं आपसे दिया भाई साहब। महल तक के हर रास्ते पर आदमी खड़े हैं हमारे। बस एक बार पता तो चले कि दाता हुकुम है कौन। बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही, वही रेत के समुंदर, वही हवाएं। और वहाँ एक छोटी सी दुकान, हाँ। जहाँ हम कुल्फी खाया करते थे। ये सब बातें करने से तुम लोग रतन प्रूव नहीं हो जाओगे। आप कुछ याद करना नहीं चाहेंगे? अपने बचपन की स्टोरीज, शायद इनकी तरह आप भी हमें यकीन दिला पाए कि यू रियली आर रतन मान सिंह। आप किसी को याद दिलाना चाहेंगी कि दुनिया गोल है? नहीं ना, और वैसे भी सच सच होता है। किसी के बिलीव करने से या ना करने से सच नहीं बदलता। और आपको जिस पे यकीन करना है आप कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं रतन मान सिंह वन एंड ओनली। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? जस्ट अ सेकंड, मिरर एडजस्ट करनी थी। ये कहां चली गई? स्ट्रेंज। इस बार रतन साहब बचकर जाने ना पाए, हमें जरा महल से निकलने दीजिए, फिर बताते हैं क्या करना है। हाँ हाँ, इंतजार कीजिए, बताते हैं। यश बन्ना, कहाँ जा रहे हैं मां साहब? वो कुछ काम से। चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। यश बन्ना, जरूरी काम है क्या? हमें जरा। जी, जरूरी काम, चलिए। चलिए। ए
इस पिस्तौल में रतन मान सिंह के नाम की गोली है, पर मरने आप तीनों आ गए। कोई बात नहीं, तीनों को मार देते हैं। आखिर 12 साल के इंतजार का कुछ ना कुछ बोनस तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, चाहते हैं कि रतन साहब वो राजपूत बने जो निर्बल की रक्षा करे और बड़ों का सम्मान, उनमें वो हर गुण हो जो एक अच्छा राजा बना सके। अफसोस अपने साथ ही ले जाएंगे कि हम अपने रतन साह को बड़ा होते नहीं देख पाएंगे। उनकी पहले क्रिकेट मैच में हम उसका हौसला नहीं बढ़ा पाएंगे, पर हमें ये पूरा यकीन है इन सब कठिनाइयों के बावजूद केसर महल को रतन साह के रूप में एक दयालु दत्त हुकुम मिलेगा। आप देखना दिया पैसा, हमारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना आसान नहीं है मुझे मारना। रतन साह, हमारी बात तो सुन लीजिए। योर गेम्स ओवर। बताओ कौन हो तुम और किसने भेजा तुम्हें? हम मजाक कर रहे थे, आपने भी तो किया था ना। चलिए पता चल गया कि असली रतन मान सिंह कौन है। रतन साह, आपके रगों में राजपूताना खून दौड़ता है, आपके खून में बहादुरी। राजपूताना खून किसी निर्दोष को कभी मरने नहीं देता। खम्मा गणी रतन साह पधारी। लेकिन मैं आपकी बात का यकीन क्यों करूं? सही कहा आपने, नहीं करना चाहिए। पर अगर हम सच में आपको मारना चाहते ना, तो कब का मार दिया होता। That was a good game. काफी अच्छी खिलाड़ी हैं आप। Thanks. बाकी की बातें रास्ते में कर लेंगे। आइए। Sorry. Drive मैं करूँगा। वो क्या है ना, desert में गाड़ी चलाने का thrill ही अलग है। Won't miss that for anything. And I hope sandstorm आ जाए। That'll be a big bonus. I'm sorry. आपको सेफली घर पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम आपको गाड़ी चलाने नहीं दे सकते। और वैसे भी रतन साह, इन सालों में बहुत चीजें बदल गई है। आपको इस रेगिस्तान के रास्ते याद नहीं रहेंगे। Thank you.
रतन सा हमें मजबूर मत कीजिए प्लीज। ये क्या है? स्टॉप इट। सीरियसली? मैं यहाँ का दाता हुकुम हूँ, आपका भी और आपके बॉस मिस्टर इंडिया का भी। मिस्टर इंडिया? हाँ मैडम, मिस्टर इंडिया। मैं उन्हें मिस्टर इंडिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं और वो मेरे सामने कभी आते नहीं। अगर वो यहाँ होते ना तो हमारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते, इसलिए आपको भी हमारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये हो गया? रतन सा, कर लीजिए अपना शौक पूरा, पर सिर्फ आधे रास्ते, बाकी का रास्ता गाड़ी हम चलाएंगे। आपको सच्ची समझ नहीं आ रहा ना कि हमें आपको सेफली घर पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जानते रतन सा, आपके सर पे खतरा मंडरा रहा है और आप है कि ऑब्वियसली हमारी हर बात की तरह आप ये वाली बात भी हमारी सीरियस। पिस्टल चलाती है, गाड़ी चलाती है और दिमाग भी चलाती है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जुबान भी चलाती हैं। अरे कुछ देर नहीं बोलेंगी तो यू वोंट डाई, जस्ट रिलैक्स ना। अरे बताइए तो सही, इतने सवाल पूछती हैं। चलिए बैठिए। ऐसी भी क्या बात है, बैठिए ना। बताइए। मासा आंखें बंद करिए। बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप, इतने बड़े हो गए बचपन अभी तक नहीं गया, जल्दी बताइए। अपना हाथ दीजिए। हाथ? आंखें खोलिए। ये हमारी मासा हमारे पापा सा के लिए दिवाली का एक तोहफा। तो ये था आपका जरूरी काम। पसंद आया आपको? बहुत। दुनिया की सबसे अच्छी मासा के लिए आज हम जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत ही तो है। माँ और पापा दोनों का प्यार मिला है हमें आपसे, और पापा से की कभी कभी महसूस नहीं होने दिया आपने। सुबह सुबह मासा की तारीफों के इतने पुल बांध रहे, थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? पुलिस वालों की नौकरी में कोई भी टाइम अजीब नहीं होता। बोला था कोई भी वक्त अजीब नहीं होता। हेलो। हम भी आपका दिवाली प्रेजेंट तैयार कर रहे हैं। तरीका भले ही आपको पसंद ना आए यशपन्ना, लेकिन ये जरूरी है। रतन साहब मरना ही होगा क्योंकि इस पूरी जायदाद के असली हकदार सिर्फ आप हैं। पिता का प्यार तो आपने बचपन में ही खो दिया, अब ये विरासत नहीं खोने देंगे किसी कीमत पर नहीं। क्या कहा था आपने, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता होंगे? आप ग्लैमरस भी हैं और इंटेलिजेंट भी, लगता है मिस्टर इंडिया की फेवरेट होंगी, तभी तो आपको मुझे लेने के लिए भेजा है। लेकिन है तो आप बहुत परफेक्ट, पर आई एम वंडरिंग कि ये कोई राजस्थान का नया फैशन है आपका खुद का? आई मीन एक पैर में एक जूती और दूसरी में दूसरी, कोई लोकल ट्रेंड है क्या? अगर रतन सा ने जूतियों को देख लिया है तो महल से निकलते वक्त किसी और ने भी देख लिया होगा, कहीं अंदाजा लगा लिया कि हम रतन सा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.